करती हूँ। तीसरा जो सूत्र है, प्रत्येक कर्म में कर्ता, उद्देश्य, कारण, प्रभाव और फल निहित है। प्रत्येक कर्ता के द्वारा कर्म, कर्म के लिए कारण एवं उद्देश्य, कर्म से फल एवं प्रभाव, फल एवं प्रभाव से आवश्यकता का निर्धारण सिद्ध होता है। आवश्यकताएं जो है वो दो ही प्रकार से हैं, भौतिक आवश्यकता और एक बौद्धिक आवश्यकता। भौतिक आवश्यकता के लिए कर्तव्यों का प्रयोग किया जाता है और बौद्धिक आवश्यकता के लिए दायित्वों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि कर्तव्य दायित्व दोनों में ही समाधान समाया ही रहता है, लेकिन कर्तव्य में भौतिक पक्ष प्रबल रहता है, प्रधानता रहती है, और दायित्वों में जो है वो समाधान के अर्थ में, मानव को समझदारी के अर्थ में उसको समझदार बनाना जो है वो दायित्व है। तो इस अब आगे के जो इस सूत्र में जितने भी शब्द आए हैं, उन सारे शब्दों को आगे परिभाषित किया गया है। जैसे कर्ता, जिस कार्य में विचार पक्ष का नियोजन है, वह विचार पक्ष ही उस कार्य के कर्ता पद को स्पष्ट करता है। मतलब विचार पक्ष ही करता है, क्योंकि विचार के अभाव में कोई क्रिया संपादित नहीं होती है, इसलिए विचार समाधानित विचार ही कर्ता पद के साथ प्रस्तुत हो पाता है। हालांकि जब मनुष्य समाधानित नहीं होता है तब भी वो कर्म करता है, लेकिन वह कर्म जो है वो प्रभाव के, किसी के भौतिक रासायनिक प्रभावों के फलस्वरूप रहता है। तो यहाँ पर जो विचार पक्ष है उसका नियोजन ही उस कार्य कर्म के कर्ता पद को संज्ञा में कहा गया है। कर्म जो है विचार पक्ष के आकार का अनुसरण करने के लिए श्रम की कर्म संज्ञा है। मतलब विचार पक्ष को सफल बनाने के लिए जो भी श्रम किया जाता है, वह श्रम जो है वो कायिक, वाचिक, मानसिक और कृतकारित अनुबोधित भेदों से किया जाता है। इस प्रकार से कर्म जो है वो स्पष्ट मध्य दर्शन में किया गया है। कारण का है, प्रत्येक सूक्ष्म क्रिया अर्थात विचार के उद्गम के लिए प्रमुख स्पंदन ही समझदारी है। समझदारी का मूल स्पंदन सह अस्तित्व ही है। क्रिया की पृष्ठभूमि विचार ही है और क्रिया की पृष्ठभूमि ही कारण है, यही संस्कार का प्रमाण है। तो प्रत्येक सूक्ष्म क्रिया मतलब विचार जो है वो सूक्ष्म क्रिया है, उसके उद्गम के लिए प्रमुख स्पंदन समझदारी है। समझदारी का मतलब होता है ज्ञान, विज्ञान और विवेक संपन्नता। तो समझदारी पूर्वक ही मानव जो है वो किसी का सुखी हो पाता है, वरना वो सुखी होने की उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। समझदारी का मूल स्पंदन सह अस्तित्व है। यहाँ पर ये बात इसलिए कही गई है कि जो भी भौतिकवादी विचारधाराएं रही हैं और जो भी आदर्शवादी विचारधाराएं रही हैं, वो मनुष्य में की सुख की जो चिराग आशा थी, चिराशा थी उसको पूरा नहीं कर पाई है। इसलिए सहस्तित्ववादी विचार ही इसके पीछे सुख के स्रोत के रूप में या विधि के रूप में प्रमुख स्पंदन है। क्रिया की पृष्ठभूमि विचार और क्रिया की पृष्ठभूमि ही कारण है। तो कारण और विचार इन दोनों के योगफल में कोई कर्म होता है। तो कारण के बगैर कोई क्रिया संपन्न होती ही नहीं है। तो कारण जो है वो मूल रूप से समझदारी और समझदारी ही सुख है, यही संस्कार का प्रमाण है। मतलब जो संस्कार हैं वो हमेशा व्यवस्था के अर्थ में ही रहते हैं, और जो व्यवस्था के अर्थ में नहीं है उनको कुसंस्कार की संज्ञा से मध्य दर्शन में परिभाषित किया गया है। प्रभाव को जब यहाँ परिभाषित कर रहे हैं तो किसी फल परिणाम को प्रकट करने के लिए पाए जाने वाले स्पष्ट प्रेरणा अथवा स्फुरण की प्रभाव संज्ञा है। हर घटना और फल परिणाम प्रेरणा और स्फुरण से ही प्रकट है। तो यहाँ पर किसी फल परिणाम को प्रकट करने के लिए पाए जाने वाले स्पष्ट प्रेरणा अथवा स्फुरण की प्रभाव संज्ञा है। तो प्रेरणा का मतलब होता है जागृति की ओर गति, उसको प्रेरणा कहा है। और स्फुरण का मतलब होता है ज्ञान, विज्ञान, विवेक पूर्वक निश्चयन सहित किया गया कार्य व्यवहार। तो जो जागृति जो है, जागृति जो मानव है, जागृत मानव जो है वह प्रेरित रहता है जागृति के लिए और जागृति को प्रमाणित करने के लिए। तो जागृति के लिए प्रेरित रहना वो एक कारण है। और स्फुरण जो है, स्फुरण ज्ञान, विज्ञान, विवेक पूर्वक वो सुख को प्रमाणित भी करता है। तो इस प्रकार प्रेरणा और स्फुरण जो है उन दोनों के प्रभाव से ही मानव के सारे क्रियाकलाप नियोजित होते हैं।
हर घटना और फल परिणाम प्रेरणा और स्मरण से ही प्रकट है। मनुष्य प्रेरणावासी, भले ही उसने अज्ञानता में भी या भ्रमित अवस्था में भी जो कुछ किया, उसके मूल में जागृति ही प्रेरणा थी। इसीलिए वह हर चीज को जानना और समझना चाहता है। जानने और समझने की कोई व्यवस्था अभी तक उपलब्ध नहीं थी, इसलिए वह प्रेरणा को प्रमाणित नहीं कर पाया। तो और उसमें जब जागृति की या सूचना प्राप्त होती है, तो उसमें स्वयं ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता के आधार पर अपने को प्रमाणित करने की प्रवृत्ति बन ही जाती है। यही प्रेरणा और स्फुरण का स्वरूप है। क्रिया की प्रतिक्रिया की प्रभाव संज्ञा है, मतलब जो हम एक क्रिया करते हैं और उसके बदले में फिर जो दूसरी क्रिया होती है उसको प्रभाव बोलते हैं। जो बार बार जब हम जिस क्रिया को करते रहते हैं, उस क्रिया का जो प्रभाव पड़ता है ना, उसको ही वो ही पहचानने में आता है। तो इसलिए क्रिया की प्रतिक्रिया की प्रभाव संज्ञा है। या प्रतिक्रिया का मतलब रिएक्शन नहीं है, व्यवस्था के अर्थ में जो क्रियाएं समाधान समृद्धि अभय और सहस्तित्व के अर्थ में की जाती हैं, जो मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में भी प्रस्तुत होती हैं, उन सबको प्रभाव की संज्ञा कहा जाता है। वहीं से मनुष्य प्रेरित भी होता है। फल है क्रिया प्रतिक्रिया के अंतिम परिणाम की फल संज्ञा है। तो यहाँ कर्ता कारण उद्देश्य फल एवं प्रभाव तक की व्याख्या की गई है। तो फल जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया के अंतिम परिणाम, मतलब जो भी कुछ मनुष्य क्रिया प्रतिक्रिया करता है, उसका जो अंतिम परिणाम जो मनुष्य के में आता है प्रभाव के रूप में, उसको ही फल की संज्ञा कहा गया है। यहाँ आवश्यकता को जब परिभाषित किया गया है, तो संपर्क एवं संबंध के निर्वाह हेतु एवं उपयोग के लिए जो प्रवृत्तियां हैं, उनकी आवश्यकता संज्ञा है। सभी योगों में उपयोग सदुपयोग प्रयोजन ही थी है, मतलब संबंध एवं संपर्क। संबंध का मतलब होता है जहाँ निर्वाह अनिवार्य है, और संपर्क में निर्वाह ऐच्छिक रहता है। वो निर्वाह मूल्य के रूप में तो सब जगह ही अनिवार्य है, लेकिन कर्तव्य के रूप में जो भरण पोषण के अर्थ में या किसी और अर्थ में है, उसमें निर्वाह किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। इस प्रकार से उपयोग निर्वाह हेतु उपयोग के लिए जो प्रवृत्तियां हैं, उनकी आवश्यकता संज्ञा है। और सभी योगों में उपयोग जो है परिवार की सीमा तक रहता है, सदुपयोग जो है वो समाज की सीमा तक है, और प्रयोजन जो है वो अखंड समाज व्यवस्था तक प्रयोजन नियोजित रहता है। फिर अगला जो सूत्र है ना, तो ये जो पहला तीसरा जो सूत्र था, प्रत्येक कर्म में कर्ता उद्देश्य कारण प्रभाव और फल निहित है। प्रत्येक कर्ता के द्वारा कर्म, कर्म के लिए कारण एवं उद्देश्य, कर्म से फल एवं प्रभाव, फल एवं प्रभाव से आवश्यकता का निर्धारण होता है, सिद्ध है। इसको परिभाषित रूप में जो ये सूत्र है, जो अनुभूतियां हैं, उनको परिभाषित यहाँ पर इस प्रकार से किया गया है। अगला जो सूत्र है कि कर्ता द्वारा कार्य का संपादन आवश्यकता की पूर्ति हेतु अथवा दायित्व कर्तव्य के पालन हेतु किया जाता है। तो कर्ता द्वारा जो विचार पक्ष है, उसके द्वारा जो भी कार्य का संपादन किया जाता है, वो संपादन दो प्रकार से होता है। एक तो प्राकृतिक वस्तुओं को उपयोगिता योग्य बनाने योग्य बनाना है ना, प्राकृतिक वस्तुओं को उपयोगिता के योग्य बनाना, ये संपादन है। और पूर्णता के अर्थ में स्वयं को प्रस्तुत करना, ये भी संपादन कहा गया है। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही दायित्व और कर्तव्यों का पालन किया जाता है। दायित्व और कर्तव्यों के पालन से ही व्यवस्था का प्रमाण मिलता है। संपूर्ण कृतियां ह्रास की ओर अथवा विकास की ओर ही है। तो इस अस्तित्व में जितनी भी कृतियां हैं, वो सब ह्रास और विकास की ओर अग्रसित है। तो रचना और जो है वो विरचना की ओर भी अग्रसित रहती है, लेकिन समझदारी जो है वो हमेशा विकास की ओर ही गति करती है। तो रचनाओं में हमको ह्रास और विकास दोनों दिखता है, लेकिन समझदारी जो है वो हमेशा विकास की ओर ही गति होती है। और जागृति जो है वो हमेशा विकास की ओर ही गति की है। जागृति से पहले मनुष्य में ह्रास भी दिखाई देता है। अगला जो सूत्र है कि कारण क्रिया की पृष्ठभूमि स्फुरण अथवा प्रेरणा भेद से है, जो संस्कार का रूप है। पहले भी यहाँ पर इस बात की चर्चा हो चुकी है, जो परिभाषा के रूप में की गई है। अब यहाँ पर अनुभूति के रूप में उसकी चर्चा की जा रही है।
क्रिया की पृष्ठभूमि, किसी भी क्रिया की पृष्ठभूमि जो है वो जागृति की ओर जो गति है उसकी, वह प्रेरणा के अर्थ में उसमें जो ज्ञान विवेक ज्ञान संपन्नता है उसको प्रमाणित करने के लिए उसमें स्फुरण रहता है ना, यही उसके संस्कार का स्वरूप है। यदि वह जागृति को और ज्ञान विवेक संपन्नता को समझदारी को नित्य प्रमाणित करता है वही संस्कार है, अन्यथा में कुसंस्कार है। फिर अगला जो सूत्र है वो प्रभाव सम विषम तथा मध्यस्थ तीन ही प्रकार के हैं, जो क्रिया प्रतिक्रिया फल परिणाम के रूप में परिलक्षित होते हैं। तो ये मानव में जो है सम विषम और मध्यस्थ तीनों प्रभाव दिखते हैं, लेकिन जीवन में जो है वो केवल मध्यस्थ प्रभाव ही के आधार पर ही जीवन अपनी जागृति को प्रमाणित करता है, जो कि जीवन क्रियाओं में हम स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं कि अनुभव जो है वो मध्यस्थ क्रिया है और मध्यस्थ क्रिया मध्यस्थ सत्ता में जब अनुभूति होती है तब वो जागृति पूर्वक ज्ञान विवेक संपन्नता पूर्वक अपने को प्रस्तुत कर पाती है। तो ये जागृति के रूप में और मानव के रूप में दोनों रूप में जो क्रिया और प्रतिक्रिया हम निरंतर करते रहते हैं उनसे जो फल परिणाम आते हैं वही फल परिणाम जो है परंपरा के रूप में दिखाई देते हैं, मानव परंपरा के रूप में दिखाई देते हैं। फल के दो भेद हैं। अगला जो अनुभूति है वो उसमें कहा गया है कि फल के दो भेद हैं, पूर्ण फल और न्यून फल। प्रत्येक क्रिया किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही संपन्न की जाती है। क्रिया की प्रतिक्रिया के अंतिम परिणाम में आशय की पूर्ति होने पर पूर्ण फल तथा अपूर्ति होने पर न्यून फल की संज्ञा है। तो ये तो परिभाषा, ये जो अनुभूति है ये स्वयं स्पष्ट है कि हम किसी न किसी आशय से ही किसी क्रिया को करते हैं। आशय जो है वो मन में उसकी पहचान होती है। तो आशय के अनुरूप यदि हम सुखी होने के लिए हम सारे कार्यकलाप करते हैं तो यदि हम सुखी होते हैं तो वो पूर्ण फल है, और यदि सुखी होने में हमको केवल सुख का भास आभास होता है तो उसको हम न्यून फल के रूप में पहचानते हैं। अगला जो सूत्र है कि साधक साध्य तथा साधन समुच्चय की औचित्यता समन्वित होने पर पूर्ण फल होता है। मतलब साधक कौन है यहाँ पर, तो मानव है। साध्य क्या है, तो जागृति है। साधन क्या है, तो बौद्धिक साधन और भौतिक साधन उसके पास है। तो साध्य जो है जिसको जो वो पाना चाहता है, तो मनुष्य क्या पाना चाहता है, सुख को पाना चाहता है। साधन क्या है, तो साध्य को पाने के लिए जो आवश्यक वृत्ति है, तो साध्य को पाने के लिए वह अपने तन और मन की शक्तियों को नियोजित करता है, ये उसका साधन है। और साध्य जो है साध्य को पाने के हेतु साधन को वो जो प्रयुक्त करता है। तो शरीर का साध्य जो है वो मन है, मन का साध्य वृत्ति है, वृत्ति का साध्य चित्त है, चित्त का साध्य बुद्धि है, और बुद्धि का साध्य आत्मा है। इस प्रकार से अभ्यास दर्शन में इस बात को स्पष्ट किया गया है, हम इसको समझ सकते हैं। और मानव विहार दर्शन में भी इसकी आगे भी परिभाषाएं दी गई हैं, जब हम पूरा पढ़ेंगे तो ये हमको और भी स्पष्ट होगा। अगला जो अनुभूति है जिसकी बात यहाँ पर इस अध्याय में की गई है कि मानव द्वारा मानवीयता के प्रति कर्तव्य बुद्धि को अपनाए बिना जागृति, जागृति के बिना समाधान समृद्धि, समाधान समृद्धि के बिना मानवत्व समत्व, मानवत्व समत्व के बिना पूर्ण फल, पूर्ण फल के बिना परंपरा में स्फुरण या प्रेरणा, स्फुरण या प्रेरणा के बिना कर्तव्य बुद्धि प्राप्त नहीं होती है। आगे भी हम लोग ने कर्तव्य और दायित्वों की बात की है, अब यहाँ पर चूंकि अनुभूति की बात हो रही है, अनुभूति की चर्चा है, इसे यहाँ कर्तव्य बुद्धि की बात की गई है। तो कर्तव्य बुद्धि का मतलब होता है उत्पादन कार्य में निपुणता कुशलता को नियोजित करने वाली विधि सहज प्रवृत्ति। तो विधि क्या है, सहजित्व ही विधि है। तो उत्पादन कार्य में निपुणता और कुशलता, तो निपुणता का मतलब होता है उपयोगिता को सिद्ध कर, उपयोगिता मूल्य को जो स्थापित करना है वो निपुणता है, और उपयोगिता मूल्य के साथ कला मूल्य और सुंदरता मूल्य को स्थापित करना कुशलता है। तो इन दोनों को स्थापित करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है, जो संस्कृत विधि से नियम पूर्वक, जो प्राकृतिक नियम पूर्वक और जो प्रयुक्त की जाती है उसको ही कर्तव्य बुद्धि के रूप से नाम से पहचाना जाता है। तो यहाँ पर कहा है कि मानव द्वारा मानवीयता के प्रति कर्तव्य बुद्धि को अपनाए बिना जागृति नहीं होगी, जागृति के बिना समाधान नहीं सफल होता है या प्रमाणित होता है। समाधान और समृद्धि के साथ ही परिवार व्यवस्था प्रमाणित होती है,
समाधान समृद्धि के बिना मानवत्व समत्व प्रमाणित नहीं होता है, क्योंकि समत्व का मतलब होता है कि जो मूल्य चरित्र नैतिकता के रूप में है, स्वत्व के रूप में ही समत्व की पहचान होती है। स्वत्व के रूप में समस्त मानव जाति जो है वो अनुभूति में एक ही होती है। अनुभव से पहले समस्त मानव जाति में एकता की कोई पहचान नहीं होती है। क्योंकि बाबा जी को अनुभव हुआ था और उन्होंने अनुभव को शब्दों के माध्यम से हमको इंगित भी कर दिया है, इसलिए हम सब उस समत्व को भाषा के द्वारा और उनके विचार और व्यवहार के द्वारा पहचान पाए हैं। और जब भी हम ये मानव परंपरा बनेगी तो भाषा के साथ आचरण के साथ ही समत्व की पहचान होगी और उसका प्रमाण होगा। मानवत्व समत्व के बिना पूर्ण फल नहीं मिलता है। पूर्ण फल का मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब तक पूरी मानव जाति जागृत नहीं होगी तब तक सर्व मानव के सुखी होने का कार्यक्रम नहीं होगा। पूर्ण फल के बिना परंपरा में स्फुरण या प्रेरणा के बिना कर्तव्य बुद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो पूर्ण फल के बिना परंपरा नहीं बनेगी। परंपरा में जो स्फुरण या प्रेरणा है परंपरा के लिए, वह स्फुरण जो है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जागृति के लिए जो नित्य प्रयत्न है वही प्रेरणा है। और स्फुरण का मतलब होता है ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता सहित किया गया कार्य व्यवहार। तो इन दोनों के योग फल में ही कर्तव्य बुद्धि जो है वो सफल होती है। मानवीयता पुण्य अगला जो अनुभव अनुभूति यहाँ पर कही गई है, जो जिसका यहाँ पर अध्याय में चर्चा है कि मानवीयता पुण्य पूर्ण बुद्धि द्वारा निश्चित कर्तव्य के परिपालन से मानव सफल एवं सुखी हुआ है। अब यहाँ कर्तव्य बुद्धि है और मानवीयता पूर्ण बुद्धि, तो मानवीयता पूर्ण बुद्धि जो है वो समझदारी ही है। समझदारी जो है ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता ही है। तो यहाँ कर्तव्य बुद्धि को जो बात की गई थी कि जो उत्पादन कार्य में निपुणता कुशलता पांडित्य को नियोजित करने वाली विधि सहज प्रवृत्ति वो कर्तव्य बुद्धि है, क्योंकि वो शरीर पोषण संरक्षण के अर्थ में। मानवीयता पूर्ण बुद्धि जो है वो समझदार बनाने के अर्थ में है। तो इसी प्रकार से कर्तव्य जो हमें है वो दायित्व समाया ही रहता है, लेकिन दायित्व में केवल समझदारी, इसको समझदार बनाने के अर्थ में ही दायित्व का निर्वाह होता है जो सेवा और उपकार कार्यों में परिलक्षित होता है। इसके बाद उन्होंने जो यहाँ पर मानवीयता पूर्ण बुद्धि के द्वारा जो बात की गई है, जिस अनुभूति को रखा गया है, उसकी जो है अब कारण प्रभाव और फल इसकी भाषाएं फिर से यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो कारण जो है, अब यहाँ पर कारण को जिस रूप में परिभाषित किया गया है उसको ऐसे कहा गया है कि चेष्टा को आशा विचार इच्छा और संकल्प पूर्वक कार्य चेष्टा में प्रवृत्त करने हेतु प्राप्त पृष्ठभूमि की कारण संज्ञा है। मतलब जो मूल चेष्टा है ना, मनुष्य में जो जागृति के लिए जो चेष्टा है उसमें आशा विचार इच्छा का संकल्प पूर्वक है ना, यदि संकल्प नहीं है तो ये नहीं हो पाएगा। तो संकल्प यहाँ पर बुद्धि का क्रियाकलाप है, इसलिए कर्तव्य बुद्धि की बात की गई है कि बुद्धि जो है, कर्तव्य बुद्धि के बगैर मानव में जो है वो व्यवस्था सफल नहीं होती है और उसकी जागृति प्रमाणित नहीं होती है। तो आशा विचार इच्छा व संकल्प पूर्वक कार्य चेष्टा में प्रवृत्त करना, मतलब जो उसमें समझदारी आई है उसको कार्य में प्रवृत्त करना जो है वही कारण है मानव परंपरा में मानवीयता बुद्धि को प्रमाणित करने के लिए। फिर प्रभाव की बात की गई है, वातावरण अध्ययन एवं अभ्यास पूर्वक ही संस्कार वातावरण अध्ययन एवं अभ्यास पूर्वक पूर्ण संस्कार ही प्रभाव है। अब ये जो पूर्ण संस्कार की बात की गई है, तो जब वातावरण अध्ययन एवं अभ्यास ये तीनों के योग फल में पूर्ण संस्कार का उदय होता है। तो वातावरण का मतलब है मानवीयता पूर्ण वातावरण, अध्ययन का मतलब है मन वृत्ति चित्त बुद्धि के द्वारा जो है अनुभव तक जाने के लिए जो प्रक्रिया है वो अध्ययन है, और इस अध्ययन के लिए जो अभ्यास लगता है जो शास्त्राभ्यास है और उसको प्रमाणित करने के लिए जो विचाराभ्यास और व्यवहाराभ्यास है, इसके साथ ही पूर्ण प्रभाव जो है पूर्ण संस्कार पूर्ण होता है और पूर्ण प्रभाव हमको देखने को मिलता है। फल जो है संस्कार का प्रभाव ही फल है, मतलब जो भी कुछ संस्कारित हम हुए हैं जिस भी विधि से उसके रूप में ही फल परिलक्षित होता है ना।
पूर्णता की अपेक्षा में मानव के द्वारा की गई प्रवृत्ति जो है, की गई कृति जो है, वो जागृति को प्रमाणित करने वाली प्रवृत्ति जो है उसको ही संस्कार की संज्ञा कहा गया है। मतलब पूर्णता की अपेक्षा में मानव के द्वारा की गई कृति जागृति को प्रमाणित करने वाली प्रवृत्ति ही संस्कार है और वही उसका प्रभाव है। तो जब मानव जागृत हो जाता है तो वो मानवीयता पूर्ण आचरण के प्रभाव में ही अपने को प्रस्तुत कर पाने में सफल होता है। अगली जो अनुभूति की यहाँ पर चर्चा की गई है वो मानव में अध्यास से वंशानुसंगिक शरीर रचना तथा योग की घटना है। चैतन्य पक्ष में संस्कार मन वृत्ति चित्त एवं बुद्धि के बुद्धि जागृत होने के रूप में उपलब्धि है जो मानवीयता और अति मानवीयता के रूप में परिलक्षित होती है। यह जागृत परंपरा की देन है। तो मानव में अध्यास से वंशानुसंगिक शरीर संरचना तथा योग की घटना है। मतलब शरीर संरचना जो है वो वंशानुगत विधि से होती है और जीवन का उसमें योग, शरीर में जीवन जो है अपने को प्रमाणित करने के लिए शरीर के योग में आकर के मानव रूप में रहता है। और चैतन्य पक्ष में जो है क्या घटना घटती है, तो चैतन्य पक्ष में संस्कार मन वृत्ति चित्त एवं बुद्धि जागृत होने के रूप में उपलब्धि है। यदि वो जागृत नहीं है तो फिर मन वृत्ति चित्त बुद्धि का कोई उपलब्धि नहीं होती है जो सुख के रूप में मानव पहचानता है। जो मानवीयता और अति मानवीयता के रूप में परिलक्षित होती है, मतलब मानवीयता के रूप में, देव मानवीयता के रूप में और दिव्य मानवीयता के रूप में, ये तीनों स्वरूपों में जो है वो संस्कार परिलक्षित होता है और उसी प्रभाव से मनुष्य में जो है स्फुरण और प्रेरणा की गति होती है। अध्यास को यहाँ पर परिभाषित किया गया है। अध्यास का तात्पर्य प्राणावस्था में कार्यरत प्राण कोशाओं में स्पष्ट रहता है। इसका शुरू प्राण सूत्रों में निहित रचना विधि है। अध्यास का सीधा संबंध जो है वो शरीर रचना से संबंधित है और संस्कार का संबंध जो है वो जीवन की क्रियाओं से संबंधित है।